सबसे पहले उच्च स्तर का शिक्षा और अच्छी शिक्षा सबसे प्राप्त करना है, यही मेरा सबसे पहला उद्देश्य है जी। उसके बाद अगर बात किया जाए कि आगे करना क्या है जी, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ जी। कारण यही है कि मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूँ जी, नौकरी देना चाहता हूँ जी जी। बहुत 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 हेलो हाय वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नंदन ब्लॉगर में आपका स्वागत है। हम अभी उपस्थित हैं बिहार के टॉप 5 रैंक जो स्थान प्राप्त किए हैं वो चंदन कुमार जी, जो समस्तीपुर के खानपुर प्रखंड के कामपुर गांव के रहने वाले हैं। हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूरी जानकारी लेंगे और उनके फैमिली वाले से मिलाएंगे। आप हमारे बने में बने रहेंगे यहाँ पे चंदन जी के घर पे, और बहुत सारे एसर लोग भी आए हुए हैं और मीडिया वाले भी। देखिए बहुत ही खुशी का माहौल है। हम अभी चंदन जी के सामने बैठे हुए हैं और हम जो है कुछ जानकारियां इनसे लेंगे, जैसे पढ़ाई कैसे करते थे, बीच रखना चाहेंगे तो इसे पढ़ाई तो सब लोग लगातार करते ही रहते हैं, तो हम इनसे बात करेंगे आपने किस तरह की पढ़ाई की जो कि आपका रैंक और जो है 5वां रैंक आया पूरे बिहार में, तो किस तरह की पढ़ाई की आप बताएंगे अपने बारे में, ये अपना परिचय दे दे पहले। मेरा नाम चंदन कुमार हुआ, पिताजी का नाम डॉक्टर दिलीप कुमार महतो जी जी, ग्राम कामपुर प्रखंड खानपुर जिला समस्तीपुर, स्कूल का नाम प्लस टू राजकीय उच्च विद्यालय हांसू जी। धन्यवाद। तो आप बताएंगे जैसे पढ़ाई लगभग लगभग कितने घंटा करते थे पर डे? पर डे मैक्सिमम 6 से 7 घंटा जी जी बिल्कुल, 6 से 7 घंटा। यानी काम की तरह अगर पढ़ाई को लेंगे तो ये जिस स्थान पे है आप भी आ सकते हैं इस स्थान पे, और भी विशेष जानकारी देंगे जैसे कैसे पढ़ते थे, यानी टीचर लोग का भी कैसे गाइडेंस रहता था, और परिवार का लोग जैसे परिवार के लोग थे वो क्या क्या बताते थे, कैसे कैसे बताएंगे आप पूरा। सबसे पहले तो परिवार में स्वतंत्रता दी गई थी मुझे पढ़ने के लिए, दूसरा कोई काम था नहीं पढ़ाई के अलावा, शिक्षकों के द्वारा काफ़ी सहयोग मिला जी, कोचिंग के शिक्षक हों या विद्यालय के शिक्षक सभी अच्छे से साथ दिए मेरे पढ़ाई में जी। ये आपका उद्देश्य जो है क्या है आप बताएंगे? सबसे पहले तो अभी जो आगे की पढ़ाई है जी, सबसे पहले उच्च स्तर का शिक्षा और अच्छी शिक्षा सबसे प्राप्त करना है, यही मेरा सबसे पहला उद्देश्य है जी। उसके बाद अगर बात किया जाए कि आगे करना क्या है जी, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ जी। कारण यही है कि मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूँ जी, नौकरी देना चाहता हूँ जी जी। बहुत 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 अच्छी बात है। आप जो है ये देख रहे हैं बिहार के समस्तीपुर जिला के कामपुर गांव के, यानी खानपुर प्रखंड में पड़ता है कामपुर गांव, वहाँ के एक बच्चे ने, लोग कहते हैं मैं आईपीएस बनूंगा, कोई कहते हैं यानी इंजीनियर, बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन इन्होंने कहा मैं बिजनेसमैन, यानी बिजनेस कोई भी हो सकता है, और वो अपने बिजनेस यानी करके यानी 10 लोग 50 लोग 100 लोग को काम देना चाहेंगे, तो ये बहुत ही गर्व की बात है, तो मिलकर बहुत खुशी मिली। थैंक यू, धन्यवाद। मम्मी जी से भी मिलाएंगे और उनसे बात करेंगे जी। मम्मी जी प्रणाम। तो बिहार में जो है चंदन जी आपके लड़के जो हैं बिहार में 5वां रैंक प्राप्त किया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मतलब बच्चे से जो है काम भी करवाते थे कि केवल कहते थे पढ़ते रहो, केवल पढ़ते रहो जी। मम्मी जी बताएंगे यानी चंदन जी को, और आप जो है विशेष रूप से क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे आगे और अच्छा और जी जी और आगे अच्छा जो करे और अच्छा से नाम कमाए और अच्छा जी जी जी। चंदन जी के पिताजी से बात करेंगे क्योंकि परिचय बताएंगे। मेरा नाम दिलीप कुमार महतो हुआ जी, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ जी जी। मेरा लड़का सेकंड है, फर्स्ट लड़का तो कोटा में डॉक्टरी पढ़ाई कर रहा है जी जी। अभी ये लड़का मेरा चंदन जो है शुरू से स्वभाव से अच्छा है जी, हम लोगों को रिगार्ड करता है, हम भी बच्चे को जी जी अच्छा मानते हैं जी। और हम सब दिनों बच्चे को बराबर कहते आया हूँ कि शिक्षा बहुत जरूरी है जी जी, शिक्षा से ही सब कुछ प्राप्त होता है जी। अभी जो है पूरे बिहार में जो है 5वां रैंक लाए, तो आपको कैसा लग रहा है? हमें भी खुशी है और सब लोगों को खुशी जी है जी जी जी, और हम चाहेंगे कि आगे भी हम लोग खुशी जी हो जी जी। तो एक और क्वेश्चन था सर आपसे कि उनका इच्छा है, बच्चे की इच्छा, हम बात किए थे उनसे, उन्होंने कहा है कि मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ और उच्च स्तर का शिक्षा प्राप्त करके जो है मैं यानी कम से कम जो है 100-200 लोगों को अपने जो है काम दे सकूँ, ऐसा कोई बिजनेस करूंगा, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए कभी भी किसी भी गार्जियन को जी ये होना चाहिए कि जो इच्छा व्यक्त करे बच्चा जी जी उसी के अनुकूल चलना चाहिए जी जी। हम लोग तो एक माध्यम है जी, हम तो चाहेंगे
हम एक सहारा के रूप में चाहेंगे जो जिस लाइन में बच्चा जाए जी उसको उसी लाइन में जाने की इजाजत है हमें जी, और हम चाहेंगे कि वो आगे बढ़ता रहे जी।